यो व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है सिवाय गेमिंग के टेक गैजेट के एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग फिर से आज बहुत खतरनाक कॉम्बोमेंस कहने वाले हैं दो गेमिंग पीसीबी के बीच में। यानी कि आप मान के चलो, एक पीसीबी वो है जिसको हम लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन वाले अपने हिसाब से बिल करके ऑलरेडी उसको वेबसाइट पर रखते हैं। और एक पीसीबी वो है को हम लोग खुद लेकर आते हैं, कि मतलब कि उस आइटम को अगर हम बाय करें एक एक आइटम और फिर उसको जोड़ कर बनाए तो कितने क्या लागत आती है। साथ में हम लोग इसमें विंडोज के, तो आप लोग को पता ही कैसे फ्री में डलते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के 1000 रुपये भी जोड़ ही लेंगे। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्या ऑनलाइन पीसी बाय करना वर्किंग है अगर उसी बजट रेंज में, या फिर उस बजट रेंज में कोई अच्छा पीसी भी मिल जाएगा वो बन सकता है। हालांकि बन तो सकता है वो अपन को बताए, पर जिन कंपोनेंट के साथ वो हमको बताए क्या उसकी प्राइसिंग टोटल करने पर भी उतनी आती है या नहीं। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, तो सबसे पहले ये है अपना वो पीसी बिल्ड जो कि कंपनी हमें को बनी बनाई देती है। तो इसमें आता है इंटेल का i7 का 4th जनरेशन प्रोसेसर, और 16 GB रैम है, 512 GB SSD और 1 TB हार्ड डिस्क है, GT730 ग्राफिक कार्ड एंड 22 इंची का गेमिंग मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस है और वाईफाई स्पीड है, सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती है इसके अंदर आपको, और विंडोज इंक्लूड मिलती है। सारी चीज़ों को विस्तार में जानने के लिए हम आ जाते हैं इधर। तो ये इसकी सारी जानकारी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गेमिंग है सारी 1080p गेमिंग के लिए, और i7 का प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, DDR3 है, और DDR3 आम मेमोरी है, और ये अपनी रैम स्पीड हो गई, GT730 इंटेल का ग्राफिक कार्ड हो गया, अपना ये वाला ग्राफिक कार्ड हो गया, और इसके साथ में गया रैम की स्पीड कह देता हूँ आपको, 3300 यानी कि 1600 MHz वाली भी रैम नहीं है, 1333 MHz वाली रैम है, और 800 वाट की पावर सप्लाई नाम की है सिर्फ। और i7 का ये 8 प्रोसेसर है और 22 इंची HD मॉनिटर है, 710 ATP मिनिमम, वो तो सभी को पता है, गेमिंग काफ़ी कार्ड, और विंडोज 10 है इसमें। तो ठीक है, इसकी कॉस्टिंग इन्होंने बताई 28,000 रुपये इनके हिसाब से, और आप लोग डिस्काउंट तो इसमें देख के, तो फिलहाल तो ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, 1500 रुपये का है, पर वो नज़र कैसे मिलेगा, हम लोग इसकी ओरिजिनल प्राइस देखते। तो इसके साथ सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने पर आते हैं, तो हम लोग अपना कैलकुलेटर भी निकाल ही लेंगे। ओपन करते हैं कैलकुलेटर, किधर गया किधर गया, कैलेंडर है कैलकुलेटर, डन। तो हम इसको यदि इस तरह रखेंगे मेन, क्योंकि तो अभी इसको हम लोग एक काम करते इधर ही आने देते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना प्रोसेसर, तो ये प्रोसेसर किधर गया, अबे एक मिनट, सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई। ये मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर किधर गया, प्रोसेसर अपन मतलब पता है कौन सा प्रोसेसर है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं होगी। आप ही सर्च कर लेते, i7 का 4th जनरेशन प्रोसेसर, तो आई थिंक हाँ ये वाला था वो। तो ठीक है, तो इसमें हमने इसमें इसकी कॉस्टिंग आई है 4,300 रुपये। तो हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, 4,300 रुपये इसको कट करना पड़ेगा, सॉरी 4,300, ओके इंटू, और नेक्स्ट इसमें है अपनी, हम ऐड करते हैं अपनी मदरबोर्ड को, तो नहीं मॉनिटर को, चलो ठीक है एम को कहते हैं, एम कहाँ गई, ये नहीं, ये भी नहीं है, अबे एम कहाँ गया, अभी तो थी इधर,
सारी चीजें ओझ पोछ हो गई है, ये हमको मैं भी सच कह लेते। एट जीबी रैम डीडीआर थी, ये तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाला, ये भी तो फिर भी कुछ महंगी है। वो तो इससे भी सस्ती थी, कम मेगाहर्ट्ज़ वाली थी, डीडीआर सही थी फिर। तो उसको सच कहते हैं हम लोग एम को, जो इनकी एम है ओरिजिनल वही एम सच कहेंगे। तो एम के बारे में ये लिखा गया है 16 GB एम। डन, ये मैंने सर्च कर लिया, 8 GB 8 GB, हाँ ये 16 GB के आगे चलो ठीक है। इसकी प्राइसिंग हम डबल कर लेते, ऑलमोस्ट 1500 रुपये है, प्लस 1500 कहते हैं हम लोग प्लस को, ये प्लस 1500 हो गए ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पे हम लोग यूज करेंगे प्रोसेसर हो गया अपना कैबिनेट, ये वाला कैबिनेट है सेम 1800 रुपये का है, अभी 1849 रुपये का। तो हम लोग ऐड कर देंगे 1849, डन। और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़ते तो 700 रुपये के कीबोर्ड माउस हो गए, ये वाली है, इसमें भी 749 ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट पे है अपना ये GT की वाला प्रोसेसर है, जो कि करीबन 450 2400 रुपये का है, इसको भी प्लस कहते हैं हम लोग, डन। करीबन 10,000 रुपये अभी तक हो चुके हैं अपने। और नेक्स्ट पर है अपने 500 GB की SSD, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम है इसको, तो एक मिनट, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसके साथ इसको कहते हैं, तो इसकी प्राइसिंग है लगभग 1800 रुपये, 1899, डन। और नेक्स्ट पर है हार्ड डिस्क, इसके प्राइस है 1770 रुपये, 1770 रुपये, ओके डन। तो इसको भी जोड़ते हैं तो कुल 14,000 रुपये हो गए, 14,500 रुपये। ये अपनी पावर सप्लाई हो गई 800 वाट के नाम के साथ आती है, ये 1200 रुपये करीबन, डन। 15 हो गए। और नेक्स्ट पर ये वाला मॉनिटर है, ये भी 22 इंची LED मॉनिटर है, और सेम मेगाहर्ट्ज़ के साथ आता है, 60 मेगाहर्ट्ज़। और हम इसको कहते हैं उसके साथ से, तो 3700 रुपये, 19,000 हो गए। और एक अब बचा ऑलमोस्ट केवल मदरबोर्ड बचा अपना, जिसकी प्राइसिंग लिखते हैं हम लोग 2140। तो ये हो गया 7,000 रुपये इसको जिसने बिल्ड किया होगा, मतलब इसको सेटअप करने के पूरे के टोटल आते हैं 22,500 रुपये। सेम अगर आप इसी पीसी बिल्ड को लेते हो, तो अगर आप आइटम बाय करते जिसमें हम लोगों ने, चलो ठीक है आप लोग 1,000 रुपये विंडोज के जोड़ लो, वैसे तो विंडोज के नहीं लगते, फिर भी आप लोग जोड़ लो 1,000 × मतलब वही है करीबन। तो इस प्रकार से अगर आप लोग बिना बनाए लेते हो, तो आपको वो सस्ते में पड़ेगा 22,500 रुपये, ये वाला ही अपना ठीक है। आप अगर कई वीडियो लेते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, ये 1,000 रुपये और जोड़ दिए मैंने इसमें, कुल 23,500 रुपये में आपको, अगर आप बनाते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर आप इससे बाय करते हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है। और दोस्तों इसी बजट में आपको अच्छे से ऐसा, इससे अच्छा पीसीबी बनने बनकर मिल जाएगा 30,000 रुपये में, इन्होंने बताया इससे तो लाख गुना बेहतर है, और इससे अच्छी चीज़ें यूज होगी, i7 का 4 जनरेशन से भी बेस्ट चीज़ें यूज होगी। तो ठीक है, अपने आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय।